हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के वीडियो में हम यहाँ पे ना मिरर पे एलईडी स्ट्रिप लगाने वाले, ये सिंगल लगाने वाला हूँ, एक इधर और एक वो दूसरे साइड पे रहेगा। तो वो मैं अपनी एक्टिवा में करने वाला हूँ, शाइन में नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसके मिरर नए और एक्टिवा में मैंने डीओ के मिरर लगाए जो सेम ऐसे ही शेप के है। और एक्टिवा के जो ओरिजिनल मिरर जो आते हैं उसके साथ में वो कैसा ना, वो राउंड शेप आते तो उसमें फिटिंग नहीं होगा ठीक से, और क्या है कि वो इसमें एडजस्टमेंट भी बरोबर नहीं, इसलिए मैंने उसमें डीओ के मिरर डाले जो ये डीओ का और शाइन का सेम ही मिरर है। तो कैसा है ना, एक स्ट्रिप यहाँ पे रहेगा और एक स्ट्रिप उधर रहेगा, ऊपर ही रहेगा। और ये ब्लू कलर की है, आप कोई भी कलर की स्ट्रिप लगा सकते हैं, आप उसको DRL बना सकते हैं, इंडिकेटर बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं फिलहाल उसको ऐसे DRL यूज़ करने वाला हूँ ब्लू कलर की। और हम क्या करने वाले हैं ना कि ये जो बाहर के जो दूसरे कलर जो है ना LED के छोड़ के, वो पूरा ना ब्लैक कलर कर देंगे। तो मतलब क्या ना, सिर्फ खाली ये तीन खाली सिर्फ दिखेगा, वरना क्या होगा, अगर ऐसे ही अगर हम चिपका देंगे ना तो ये गंदा दिखेगा का, मतलब ये नज़र में आएगा कि ये मतलब LED लगाइए। हम क्या करने वाले हैं, इसको ब्लैक कर देंगे, सिर्फ ये जो LED वाला जो है ना, ये तीन जो LEDs जो दिख रहे हैं ना, सिर्फ वो विजिबल रहेगा, बाकी के सब पूरा ब्लैक हो जाएगा। और वायर्स को है ना इस तरह से यहाँ से अंदर से हम लेंगे ठीक है। तो वो मैं एक्टिवा में करने वाला हूँ, तो आप किसी भी मोटरसाइकिल और स्कूटर में आप कर सकते हैं। और उसको एज ए DRL बनाना है DRL भी कर सकते हैं, आपको एज ए उसको इंडिकेटर बनाना है इंडिकेटर भी कर सकते हैं। अगर इंडिकेटर करना है तो इंडिकेटर के साथ ज्वाइन करने का, DRL करना है तो पार्किंग के साथ ज्वाइन करने का, पार्किंग नहीं है तो उसको फिर डायरेक्ट इग्निशन पर ज्वाइन करने का। तो एकदम सिंपल से आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मैं ब्लू कलर यूज़ करने वाला हूँ, आप कोई भी कलर कोई भी LED स्ट्रिप आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको कलरिंग करेंगे, ये पहले इसको कवर करना पड़ेगा LED को, मास्क टेप लगा के कलरिंग करेंगे, उसको कवर करना पड़ेगा और फिर बाद में अपन इसको कलर करेंगे। हाँ, तो ये अभी इस तरह से यहाँ पे इसके ऊपर देखिए मास्किंग टेप लगा दिया, तो मतलब जो LEDs जो ग्लो करती है ना जितने, उसके ऊपर मास्किंग टेप लगा दिया। अब इसको हम क्या करेंगे ना, इसको यहाँ पे ब्लैक स्प्रे पेंट कर देंगे तो ये फुल ब्लैक हो जाएगा। और फिर इसको अपन मिरर पे चिपका देंगे तो क्या ब्लैक और ब्लैक दिखेगा ना तो रह जाएगा, तो खाली सिर्फ LED खाली चमकेगी, बस उतना ही ग्लो करेगा। तभी इसका ये तभी ये देखिए पूरा कलर कर दिया इसको। अब ये मास्किंग टेप अपने को निकालना पड़ेगा इस तरह से, ये मास्किंग टेप अभी निकल जाएगा ना तो सिर्फ जो अपने LED वाला जो है सिर्फ वही कलर मतलब बाहर रहेगा, उतना ही ग्लो करेगा, बाकी सब ब्लैक हो जाएगा। मतलब क्या मिरर में ना दिखेगा नहीं, सिर्फ इतना ही दिखेगा। तो ये इस तरह से निकला, एक बार आप चालू करके देखते तो ये हो गया। तभी हम क्या करेंगे ना, इसको वायरिंग में ना अपन एक छोटा सा एक सॉकेट ऐड करेंगे, मतलब इन केस क्या होगा ना कि कभी अगर मिरर अपने को ओपन करना हुआ ना तो सॉकेट खोल सकता है। अभी मेरी एक्टिवा में केस अलग है, मैं आपको बताता हूँ कि मुझे सॉकेट की क्या नहीं भी लगा तो भी कुछ चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं सॉकेट फिर भी लगाऊंगा। तो उसमें भी मैं एक आपको एक आइडिया दूंगा कि मैंने एक्टिवा में मैंने क्या किया, एक और मॉडिफिकेशन मैंने करके रखा है मिरर के लिए। और दूसरा अपने का एक सॉकेट जो अपने को और एक अपने को एक पाइप लगेगा, एक ब्लैक कलर की पाइप लगेगी, वो मैं आपको बता दूँ, एक छोटा सा पाइप लेना पड़ेगा, वो मुझे लेना पड़ेगा। तो वो जब भी इंस्टॉल करूँगा तो मैं आपको उसका पाइप भी दिखाता हूँ, वो पाइप हम लोग मिरर में डाल देंगे, मतलब क्या ये वायर जो है कवर हो जाएगा, वायर को भी अपने को कवर करना पड़ेगा, तो उसका भी एक सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। तो ये अभी ये देखिए मिरर पे इस तरह से ऐसा लगा दिया है, और ये एक ऐसा एक सॉकेट आपको लेने का, मतलब क्या इनकेस अगर कभी आपको मिरर ओपन करना हो ना तो ये सॉकेट अलग कर सकते हो और फिर आप मिरर ओपन कर सकते हैं, तो क्या ये काम अपना ईजी हो जाता है। और ये थोड़ा सा वायर छोटा पड़ रहा था इसलिए मैंने इसको एक्सटेंड किया। अब इसके अंदर क्या करेंगे ना, अपनों एक पाइप का टुकड़ा ऐसा लगाएंगे ये, तो ये जो है आपको हार्डवेयर की शॉप में मिलता है जो वायरिंग करते हैं ना उसका ये पाइप है। तो ये पाइप है ना यहाँ पे इसके अंदर ऐसा ऐसा रहेगा, वायर इसके अंदर से जाएगा, तो मतलब क्या है ना वायर अपने को बाहर दिखेगा नहीं और ये सेफ भी रहेगा, तो फिर ये लगाने का फिर बाद में एकदम ईजी हो जाएगा। तो अब ये दोनों मिरर का काम हो गया, ये LED यहाँ पे लगा दिया, 3M के टिप से यहाँ पे चिपका दिया जो हमने यहाँ पे ब्लैक कलर किया हुआ था ये, और वायर को इस तरह से अंदर से ले लिया, ये जो पाइप मैंने आपको बताया था पाइप लिया। पाइप ये लेते समय ना थोड़ा एक चीज़ ध्यान रखना, या तो पाइप थोड़ा सा बड़ा ले लेना या तो वायर पतला ले लेना, वरना क्या होगा ना वायर घुसेगा नहीं ना जाएगा नहीं इसके अंदर से ना, फिर बाद में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे ये पाइप तो भी चलेगा,
ना तो वायर जो है ना ज़्यादा बड़ा वायर मत लेना, पतला वायर लेंगे तो चल जाएगा, ये छोटे से लाइट के लिए पतला वायर ठीक है। और ये मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा वायर यहाँ पे रखा हुआ है, तो इनकेस का कभी अगर आपको मिरर निकालना हो ना, ये सॉकेट निकाल के आप सॉकेट ओपन करके मिरर निकाल सकते हैं। और मैंने एक और चीज़ कुछ मॉडिफाई किया हुआ है मिरर के लिए अपनी बाइक में, स्कूटर में, तो वही भी मैं आपको एक दिखाता हूँ। अभी काम बचा अभी खाली डायरेक्ट इसको वायरिंग करने का है। तो ये फाइनल फिटिंग अभी पूरा हो गया, ये देखिए पूरा यहाँ से ये मिरर पूरा फिट हो गया। ये सॉकेट ऐसा रखा है, मतलब क्या इनकेस कभी ऐसा बाहर निकालना हो तो ऐसा निकाल के कर सकते हैं इसको, मतलब निकालना हो तो सॉकेट मिरर निकालना, तो सॉकेट निकाल के मिरर निकल जाएगा। नेगेटिव यहाँ पे ग्राउंड कर दिया दोनों का नेगेटिव, और दोनों का पॉजिटिव मैंने यहाँ पे पार्किंग वाले स्विच पे डाल दिया। अगर आपकी गाड़ी अगर 4G है तो आप डायरेक्ट इग्निशन पे डाल देना, मेरी 3G है तो इसलिए मैंने इसको पार्किंग पे डाल दिया। ये सा अभी आप देखेंगे कि मिरर लगा हुआ है। नॉर्मली कैसा होता है एक्टिवा में, आपको ये फ्रंट पैनल खोलना हो ना तो मिरर निकालना पड़ता है, और मिरर अटैच करने से पहले आपको पहले पैनल लगाना पड़ता है। लेकिन मैंने यहाँ पे पैनल लगा हुआ नहीं है, उसका रीज़न मैं आपको ये पूरा अटैचमेंट करने के बाद में आपको अभी दिखाता हूँ। अभी इसको पहले मैं ऑन कर लेता हूँ, ये देखिए तो बहुत बढ़िया लुक मिल रहा है इस तरह से। ये देखिए ब्लू चमक रहा है, एकदम मस्त अच्छा दिख रहा है। आप कोई भी LED डाल सकते हैं, आप इसको अगर इंडिकेटर बनाना हो तो इंडिकेटर वायर पर डाल देना तो इंडिकेटर का काम करेगा, DRL बनाना तो DRL वायर, इसको कोई भी कलर की LED आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से क्या ना ये सब ब्लैक कलर करने से ये दिखाई नहीं देता, ये देखिए ये जो है पूरा कवर हो जाता है, ये आप देखेंगे ना ऐसा, तो ये देखिए पूरा कवर हो गया, पर दिखाई नहीं देता है, तो सिर्फ ये तीन खाली बस ये आँखें जैसी दिखाई देती है बस ये। तो पूरा एक बार फिटिंग कर लेता और मैं आपको मॉडिफिकेशन आपको एक दिखाता हूँ। तो ये देखिए पूरा फाइनल फिटिंग हो गया और ये पूरा लग गया पैनल। ये देखिए जो मॉडिफिकेशन मैंने जो किया है ना, ये ऐसा किया, ये पैनल को यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिया है। कट करने से क्या होता है ना कि ये कभी भी पैनल अगर ओपन करना होना तो मिरर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मैंने पहले भी एक बार वीडियो बनाया था काफ़ी टाइम पहले, ये देखिए ये ऐसा यहाँ से कट कर दिया। तो अभी क्या अगर ये मिरर निकालना, अगर ये सपोज अगर मिरर निकालना तो यहाँ से वायर ऐसे ऊपर करके यहाँ से सॉकेट निकल जाता है, ये देखिए ये यहाँ से सॉकेट निकल जाता है और आप मिरर बाद में आप निकाल सकते हो। और ये पाइप ऐसे लगा दिया है तो ये वायर क्या पूरा कवर हो गया। और यहाँ नीचे भी मैंने ब्लू कलर की LED लगाई है, इधर भी, इधर एक है और यहाँ पे दो है। तो दूर से इतने कैसे दिखाई देती है ऐसे, एक नाइट व्यू भी देखते हैं नाइट में कैसा दिखाई देता है। और इसके अंदर मैंने वाइट कलर का पार्किंग बल्ब डाला था, वो मैंने निकाल दिया क्योंकि फिर वो एकदम अलग और दिख रहा था ब्लू और वाइट, तो सिर्फ ये ब्लू कलर की मैंने रखी है। तो अभी ये आपको मैं नाइट व्यू दिखाता हूँ कैसा दिखता है, इसको ऑन करते हैं तो इस तरह से एकदम चमकता है। इसमें कोई भी कलर आप डालोगे अच्छा दिखेगा, वाइट भी आप डालेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा, ब्लू भी बहुत अच्छा चमक रहा है। और नीचे भी मैंने ब्लू लगाया, सोचता हूँ उसको भी कलर चेंज करके ग्रीन डाल दूँगा, ब्लू और ग्रीन अच्छा दिखेगा, देखते हैं जो आपको पसंद है आप मेरे को कमेंट कर देना। तो ये ऐसा है, तो ये DRL में है, अगर आपको इंडिकेटर डालना है तो आप इंडिकेटर पे कनेक्ट कर दो तो इंडिकेटर करेगा वो काम। तो फिलहाल तो ये मैंने DRL मैंने कर दिया, उसको पार्किंग लाइट पे अटैच किया है इसको। तो कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा आपको, और नीचे का कलर अगर चेंज करना है तो कौन सा कलर डालूँ तो बताना मुझे। ओके फ्रेंड्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।